अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। सो टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ माय लास्ट सेमेस्टर एट द यूनिवर्सिटी। माय फीलिंग इज समवेयर बिटवीन द हैप्पीनेस एंड द सैडनेस एज इज गोइंग टू बी माय लास्ट सेमेस्टर। सो मुझे एक तरह से खुशी भी इस बात की कि फाइनली 4 ईयर्स की डिग्री मेरी कम्प्लीट होने वाली है। बट एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग वेरी सैड। लाइक आप एक जगह पे रह रहे हो, एक जगह पे आप पढ़ रहे हो, तो आपकी एक अलग तरह की बॉन्डिंग हो जाती है उस जगह से, उस प्लेस से, वहाँ के लोगों से। सो डैट वॉज अ फीलिंग जो मुझे फील हो रही थी आज सुबह काफ़ी ज़्यादा। बट डिस्पाइट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस सिचुएशन, आज की सबसे गमगीन नाक बात ये थी कि मुझे सिर्फ आज एक ही क्लास के लिए यूनिवर्सिटी आना पड़ा था, वो भी सुबह 8:30 बजे, क्योंकि मेरी बस सुबह 8:30 बजे आती जिसकी वजह से, और क्लास मेरी थी 10 बजे, तो मुझे वेट भी करना पड़ा। और एनीवेज क्लास वगैरह से फारिग होकर मैं बाहर आ गई और फिर मैं थोड़ी देर बेंच पे बैठी एंड देन वाज गेटिंग विटामिन डी फ्रॉम द सन। सन बाबा को हेलो हाय करके फिर मुझे मन हुआ कि लेट्स गेट सम कॉफ़ी, क्योंकि सर्दियों की सुबह थी तो सर्दियों की सुबह में यू वांट सम कॉफ़ी और अ टी। तो मुझे आज कॉफ़ी का मन हो रहा था तो मैंने कॉफ़ी बाय कर ली। कॉफ़ी लेने के बाद आई वॉज सर्चिंग फॉर अ प्लेस जहाँ पे मैं बैठ के कॉफ़ी को एंजॉय कर सकूँ, बट जैसे ही मैंने पहला सिप लिया उसको मुझे पता चला कि शुगर नहीं है कॉफ़ी में, तो आई वेंट बैक एंड तो मैं दोबारा कैफे गई, वहाँ से जाके मैंने शुगर डलवाई और फिर मैंने थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगाई, मुझे अपनी क्लास फेलो मिल गई थी। उसके बाद फिर मैंने मामा को कॉल कर दी कि मुझे पिक करने आ जाएँ। सो मामा वॉज लाइक कि मैं 1 घंटे तक आती हूँ। उसके बाद फिर नाउ आई एम गोइंग बैक टू होम। ये हमारी है बाहर निकलने की जगह जिसको कहते हैं। तो मैं अब घर जा रही हूँ, घर के रास्ते पे रवा दवा हूँ, अभी यूनिवर्सिटी के रास्ते में ही हूँ, लाइक घर के लिए जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आप मेरा व्यू देख लें थोड़ा सा, जो मैं दिखाना चाह रही हूँ कुछ भी जो भी है व्हाटएवर। अच्छा, तो अपनी ज़िंदगी का पहला व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। कैमरे को पकड़ना इज़ एन आर्ट, और फिर प्लस इधर उधर की नज़रें, इतना लग रहा था इतना सारे मुझे ही देखें, हालाँकि वो मुझे नहीं भी देखे, बट आई वॉज फीलिंग लाइक सबकी नज़रें मुझ में। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज फीलिंग वेरी डिफरेंट फॉर द व्लॉगर एंड ब्लॉगर जो भी हैं उनके लिए, कि यार वाकई इट्स अ स्किल कि आप कैमरा पकड़ रहे हो सबके सामने, ये भी इसके लिए भी आपको एक करेज चाहिए। तो मुझे काफ़ी अलग अलग सा फील हो रहा था, अजीब अलग अलग सा नहीं, अजीब अजीब सा कहना ज़्यादा बेहतर है। तो बट यहाँ पर मेरी मामा आ गई थी, फिर अब मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। भूख भी बहुत लगी हुई थी तो मैंने मामा से पहले ही कह दिया था कि मुझे बाहर से बीफ पुलाव जो है वो मैंने ट्राई करनी थी, काफ़ी टाइम से मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था, बट फाइनली मैंने कहा आज तो मैं लाजमी उसको ट्राई करूँगी। तो ये पिंडी की गलियों से निकलते हुए, रिक्शों को पास करते हुए, ट्रैफिक से निकलते हुए मेरी मामा गाड़ी बड़े मज़े से इधर उधर से निकालते हुए मुझे लेके जा रही हैं बीफ पुलाव वाली दुकान पर। तो हम पहुँच चुके हैं फाइनली लाला जी बन्नू बीफ पुलाव करके, कोई मशहूर है काफ़ी, तो मैंने सोचा ट्राई किया जाए इसको। तो मैंने 2 प्लेट्स ही ऑर्डर कर ली एंड फिर मैंने घर जाके इसको ट्राई किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई पसंद नहीं आई, नॉट वर्थ द प्राइस। सही थी बस, मतलब गुजारा था, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट बाई इट अगैन। सो या वेल दैट्स द रैप्स अप ऑफ माई डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस जर्नी गाइज, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।